जनता पार्टी के बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आज औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होंगे। पिछले महीने 28 मार्च को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी और शामिल होने को लेकर विस्तृत बात हुई थी। पिछले दिनों कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने एक ट्वीट कर बताया था कि बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा 6 अप्रैल को औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा संभवतः पटना साहिब सीट से चुनाव लड़ेंगे। वे पहले से ही कहते हैं कि सिचुएशन जो भी हो, लोकेशन वही होगी। बीजेपी ने इस बार उन्हें टिकट न देकर इस सीट से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को उतारा है। अभिनेता से राजनेता बने सिन्हा प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कामकाज के आलोचक रहे हैं और दोनों पर देश को तानाशाह की तरह चलाने का आरोप लगाया है। वे देश के अलग अलग हिस्सों में रैलियों को संबोधित करते रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा कहते रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में लोकशाही थी, जबकि मोदी सरकार में तानाशाही है। बीजेपी नीत एनडीए ने लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की 40 में से 39 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पटना साहिब से जहां केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा गया है। पाटलिपुत्र में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव प्रत्याशी होंगे। एनडीए हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के भाई और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को उम्मीदवार बनाया गया है। अभी हाल में ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ बीजेपी के राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा के समर्थन में पटना में विरोध प्रदर्शन किया। सिन्हा के समर्थन जब रविशंकर के विरोध में नारा लगाने लगे, तब दोनों नेताओं के समर्थकों ने जमकर मारपीट की। दरअसल बीजेपी के मौजूदा सांसद और आडवाणी खेमे के नेता शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से प्रत्याशी बनाया गया है। कहा जा रहा है कि आर के सिन्हा भी पटना साहिब से टिकट के दावेदार थे। सिन्हा को पटना साहिब का टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थक नाराज हैं और वे रविशंकर प्रसाद का विरोध कर रहे हैं।